आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेताओं का मीटिंग, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी और केसी वेणुगोपाल जी के मौजूदगी पे हुआ है। आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव के सिलसिले में हम लोग बात की है। हमको अभी चुनाव में महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में चुनाव कांग्रेस लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनाएंगे। इसके लिए हमने जो भी कार्यक्रम करना है, जो नीति अपनाना है, उसके बारे में विस्तार में बात की है। इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग हमारे 14 तारीख को मुंबई में है, सेम मीटिंग उधर होगा, उसमें उसके सारे चीज़ों के ऊपर डिस्कस करके वर्कआउट करेंगे। हमको जब पिछले अभी जो लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को अच्छा सपोर्ट जनता ने दिया है, हम महाराष्ट्र के लोगों को, जनता को हम नमन करते हैं। उन्होंने हमको भारी बहुमत से हमारे सांसदों को जिताया है। इसी तरह महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी हर तरह से आगे रहेंगे और जनता के समस्याओं को लेकर के आगे चलेंगे। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है, इतने ज्यादा करप्शन करते हैं, इसके बारे में लोगों को मालूम है, इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट के चुनाव में हमारे पक्ष में वोट दिया है। इस भ्रष्ट सरकार को निकालने के लिए और किसानों की समस्याओं को, आरक्षण की समस्याओं को और ड्रोट की समस्याओं को कोई ख्याल नहीं करने वाले इस सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, उस पर विस्तार में बताएंगे।